वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूं। आज जो आप दोस्तों को दिखाने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं, वो है एक कमरे की कैंडी फैक्ट्री। बच्चे हर घर में होते हैं और वो टॉफी बड़े शौक से खाते हैं, तो आज आपको कैंडी बनाना सिखाएंगे। कैसे बनती है, कैसे पैक होती है और कॉस्टिंग क्या है, कीमत यानी कितनी है, हमें कितने की पड़ती है, दुकानदार को कितने की देते हैं हम लोग और दुकानदार आगे कितने की बेचता है, तो नफा और नुकसान की डिटेल्स होंगी। और साथ में ये देख लीजिए, साफ सुथरा, नो हाइजीन, स्टेनलेस स्टील की मशीन है, मार्बल है और साफ सुथरे इंग्रेडिएंट्स और बहुत कम कम खर्च, बाला नशीन वाला हिसाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। आग जल गई है, स्टील की कढ़ाई है, इसके अंदर पानी डालेंगे आधा लीटर। पानी आपने फिल्टर वाटर लेना है, हमने तो नेस्ले ले लिया है। हाफ लीटर पानी जो है वो इसमें जाएगा जी, वसीम भाई डालें। वसीम भाई, इसको कितनी देर तक उबालना है हमने? थोड़ा सा इसका टेम्परेचर वार्म हो जाए, सून आफ्टर हम इसके शुगर डाल देंगे इसके अंदर। उबालना है या सिर्फ गर्म करना बस है? हल्का सा गर्म करना है, मामूली सा। वसीम भाई, पानी गर्म हो गया, अब इसमें क्या डालेंगे? अब इसमें 1 किलो चीनी डाल रहे हैं 1 किलो चीनी जी। डालें। लकड़ी का चम्मच, इसको आहिस्ता आहिस्ता से स्टिर करते रहेंगे जब तक ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो जाती। ये जी शुगर डिसॉल्व हो गई है। वसीम भाई, अब इसमें क्या डाल रहे हैं हम? अब इसमें लाइट कॉर्न सिरप डाल रहे हैं 200 ग्राम। 200 ग्राम लाइट कॉर्न सिरप, 200 ग्राम। सर ये है लाइट कॉर्न सिरप। ये मेनू तो खाली लग रहे हैं। अच्छा डालें जी, इधर से मुझे दिखाएंगे जरा। हाँ ठीक है, वाकई है भाई। लाइट कॉर्न सिरप 200 ग्राम जाएगा इसके अंदर। और इसको भी साथ में मिक्सिंग करते रहेंगे। इसको मिक्सिंग तो करते ही रहेंगे वसीम भाई, इसको कितनी देर मिक्स करेंगे? शायद भाई टाइम बाय टाइम इसका टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। ये तकरीबन 25 मिनट्स का कुकिंग टाइम है। इसका टेम्परेचर हमने 300 डिग्री फॉरेनहाइट पे लेके जाना है। 25 मिनट तक पकाएंगे और इसका टेम्परेचर 300 डिग्री होना चाहिए। 300 डिग्री फॉरेनहाइट। ये ओके, हमारे पास कैंडी मीटर है, हम टाइम बाय टाइम इसके साथ चेक करते रहेंगे। इस मीटर की मदद से हम चेक करते रहेंगे कि कितना टेम्परेचर हो गया है। 300 फ़ारेनहाइट, 300 डिग्री फॉरेनहाइट। ओके वसीम भाई, 300 डिग्री फॉरेनहाइट चेक कर लिया जी। दोबारा दिखाएं जरा, डिप डिप करें जरा। अच्छा ओके ठीक है, तो अब करना क्या है इसको? अब इसको इसमें फ्लेवर डालेंगे, इसमें फूड कलर डालेंगे और इसको हम पोर कर लेंगे मार्बल टेबल के ऊपर जी। आप डालें, आग बंद जी। आग आग बंद जी। ये क्या चीज है? लिक्विड फूड कलर। लिक्विड फूड कलर डालें बच्चा। कितना एक डालना होता है? चंद एक ड्रॉप्स होते हैं, जितना आप कलर लेना चाह रहे हो। ओके अब इसको फिर मिक्स करेंगे जी। करें स्टील का चम्मच। लकड़ी से स्टील के चम्मच पे आ गए हम जी। अच्छा जी, ये ब्लू कलर आपने ले लिया इसका जी। वसीम भाई, अब क्या डाल रहे हैं? ये हम फ्लेवर डाल रहे हैं। डालें जी फ्लेवर। एक ढक्कन। एक ढक्कन क्या होता है? 5 ग्राम। ये फ्लेवर कौन सा डाला है आपने? ये खोपरा, कोकोनट। खोपरा कोकोनट फ्लेवर। खुशबू भी आई है। हाँ खुशबू अच्छी आई है जी। अब क्या करेंगे? अब इसको मार्बल टेबल के ऊपर ले लेंगे। इस पे मक्खन नहीं लगाना? मार्बल टेबल पे। हाँ जी ऑलरेडी मक्खन लगा हुआ है। मक्खन कौन सा लगाया, दिखाएं मुझे। ये लूपेन मार्बल टेबल है और इसके ऊपर मक्खन लगा दिया भाई ने पहले ही। ये ब्लू बैंड लगाया जी, ब्लू बैंड। दिखाएं कैसा होता है, अंदर से भी दिखाएं ना। अच्छा जी, ये मक्खन जो है वो लगा दिया टेबल के ऊपर और अब इस मटेरियल को टेबल के ऊपर लेके आएंगे जी।
वाह खूबसूरत जी। अब ये टेबल पे आ गया, आप क्या करेंगे इसको जी? इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए कोई पंखा शंखा चलाएंगे या नहीं? नहीं ऐसे ही, ऐसे ही रूम टेम्परेचर। तो फिर वो पंखा क्यों लगाया हुआ है? वो जब हम कैंडी निकालते हैं यहाँ से तो वो डी शेप ना हो जाए उसको ठंडा। अच्छा, उसको ठंडा करने जी। ओके, तो अब क्या करना है जी इसका? अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग करेंगे यहाँ टेबल। ओके जी, अब क्या करेंगे इसकी प्रोसेसिंग जी? अब इसको क्या करेंगे जी? अब इसको हुक पे प्रोसेस करेंगे। हुक पे प्रोसेस जी। ये दस्तानों पे थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे जी, ताकि ये दस्तानों के साथ ना चिपके। NSCP, अब इसको टेबल पे बिछाएंगे जी। हल्का हल्का इसको टेबल के ऊपर तय सी बिछा लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो पेड़े को हल्का हल्का आटा लगा लेते हैं ना, खुश, ये समझे खुशका लग गया इसको। अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है जी। अब इसको इस टेबल पे लेके आएंगे जिसपे NSCP फैला हुआ है मार्बल टेबल के ऊपर। अब कैंची से इसके पीसेस काटेंगे। मशीन को ऑन करें। ये मशीन ऑन हो गई, ये ऑन हो गई जी। अब इसको हम मशीन में से गुजारेंगे। कैंडी को ऐसे रैपर में पैक किया जाता है। 500 ml पानी लिया था, चीनी 100 ग्राम और 1000 ग्राम थी 110 रुपये की, लाइट कॉर्न सिरप 200 ग्राम 20 रुपये का, फूड कलर 1 ग्राम 1 रुपये का, फ्लेवर 5 ml 5 रुपये का, NSCP 50 ग्राम 4 रुपये का, गैस 12 रुपये की इस्तेमाल हुई, कुल वज़न था 1756 ग्राम, रिकवरी होती है 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो और इसकी कीमत बनती है 152 रुपये। 152 रुपये में 1.5 किलो हमारा मटेरियल तैयार हुआ। एक कैंडी का वज़न है 5 ग्राम, तो एक बैच में से 300 कैंडी बनती है। एक बैच की कीमत है 152 रुपये, तो 152 को 300 कैंडी पे तकसीम किया तो 51 पैसा फ़ी कैंडी बनी। एक जो खाली रैपर इस्तेमाल होता है उसकी कीमत 25 पैसे है। कुल कीमत एक कैंडी 76 पैसे बनती है, 51 पैसे की कैंडी और 25 पैसे का रैपर 76 पैसे की कैंडी बनती है। एक डब्बे के अंदर 38 कैंडी होती है जो दुकानदार को मिलती है 35 जमा 3, और जो 38 कैंडी की कीमत बनती है वो बनती है 28 रुपये 88 पैसे। एक खाली डब्बा जो जिसके अंदर इसको पैक किया जाता है वो 10 रुपये का होता है, यानी जो 38 कैंडीज होती हैं वो एक डब्बे में डाली जाती हैं और उस एक डब्बे की कीमत होती है 10 रुपये। बिजली मजदूरी और ट्रांसपोर्टेशन 5 रुपये एक डब्बे पे आती है, तो कुल कीमत फी डब्बा बनती है 43 रुपये और 88 पैसे। दुकानदार को यह डब्बा 60 रुपये में फरोख्त होता है, इस हिसाब से 16 रुपये 12 पैसे बचत आती है और जो रिटेल होती है वो 76 रुपये आती है, यानी 16 रुपये दुकानदार को बचते हैं। आप सुबह किसी भी दुकान पर जाएं और 20 रुपये वाली कैंडी का डब्बा उठाएं, उस डब्बे पे देखें लिखा होता है 35 जमा 3 पीसेस, ठीक है, और एक कॉर्नर में लिखा होता है 2 रुपये। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, ये देखिए 35 जमा 3 रुपये और इधर कॉर्नर पे लिखा हुआ है 2 रुपये, और ये 60 रुपये में डब्बा मिलता है दुकानदार को।
और दुकानदार 2 रुपए के हिसाब से जब 38 कैंडी बेचता है तो उसको 76 रुपए जो है वो बचत आती है, और 76 रुपए में वो बिकता है और उसको 16 रुपए बचत आती है। यानी 16 रुपए 12 पैसे मैन्युफैक्चरर को बचते हैं एक डब्बे में और 16 रुपए दुकानदार को बचते हैं। ऐसे ये देखें, एक और कंपनी का डब्बा है, ये लिखा हुआ है 35 जमा 3 पीसेस, ठीक है, और कीमत 2 रुपये। ये 60 रुपये का डब्बा मिलता है दुकानदार को और 76 रुपये में वो फरोख्त करता है। अलबत्ता कुछ जो कंपनीज होती हैं वो बड़ी पैकिंग भी कर देती हैं, जैसे ये 60 पीसेस जमा 3 और ये भी 2 रुपए का बिकता है। ये वाला जो डब्बा है ये 100 रुपए का दुकानदार को मिलता है और वो 120 रुपए का फरोख्त करते हैं। अब अगर बात करें तो जो एक बैच की प्रोडक्शन है वो 8 डब्बे है, तो 1 घंटे में 3 बैच बन जाते हैं जिसमें से 24 डब्बे निकलते हैं, और 8 घंटे की प्रोडक्शन में 192 डब्बे निकलते हैं, और 192 डब्बे की बचत बनती है 3,095 रुपये। आप महीने में 4 दिन छुट्टी करें, 26 दिन फैक्ट्री चलाएं, तो टोटल जो प्रॉफिट होता है वो 80,470 रुपये होता है। अगर बैच का साइज 1.5 किलो की बजाय 2 किलो बना लें तो टाइम उतना ही लगना है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जानी है। और इसी तरह अगर कढ़ाई बड़ी कर लें तो बड़ी कढ़ाई में प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, यानी 1.5 किलो की बजाय 5 किलो, टाइम तकरीबन उतना ही लगना है लेकिन प्रोडक्शन जो है वो 2-3 गुना बढ़ जानी है, तो उससे जो है ना प्रॉफिट रेशियो में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। पे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो ये सवाल कर सकते हैं कि शायद भाई इतनी प्रोडक्शन करेगा कौन, शायद भाई इतना प्रोडक्शन बेचेंगे कहाँ पे, इतना माल बिकेगा तो पैसे आएंगे। भाई पता है बात क्या है, सेल्स और मार्केटिंग जो है ये एक मुकम्मल शोबा है, अलग शोबा है। प्रोडक्शन एक अलग शोबा है और सेल्स और मार्केटिंग अलग शोबा है। अगर इसी वीडियो में इस पे बात करने बैठेंगे ना तो शायद कई घंटों इस पे हम बात कर सकते हैं। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि यूट्यूब चैनल बिजनेस टॉक्स के ऊपर मेरा सेल्स और मार्केटिंग की 30 के करीब जो है वो वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया गया। और अगर आप उसकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो है हाउ टू सेल, और दूसरी प्लेलिस्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे और आप सीख पाएंगे कि सेल्स कैसे बढ़ाई जाती हैं या कैसे की जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे ये बात करना मैं नहीं समझता कि मुनासिब होगा कि इस वीडियो के अंदर हम सेल्स और मार्केटिंग का एक लंबा लेक्चर डाल दें और आप लोग ना इस वीडियो को मुकम्मल देख सकें ना ही सेल्स और मार्केटिंग को मुकम्मल तौर पे समझ सकें। तो प्लीज़ सेल्स के मुतल्लिक, मार्केटिंग के मुतल्लिक जो भी आपकी क्यूरीज हैं, सवालात हैं, वो मेरी बिल्कुल वो वीडियोज़ देखें, उनमें आपको इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये भी होगा कि शायद भाई ये छोटी फैक्ट्री लगती कितने में, तो भाईजान ये एक पैकेज है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इनिशियल, मशीन बमा मोटर, मार्बल टेबल, टेबल फैन, रबड़ दस्ताने, गैस सिलेंडर, कढ़ाई बमा फ्रेम और स्टेनलेस स्टील में ये स्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, रैपर, डब्बे और ट्रेनिंग। ये मुकम्मल पैकेज 2,50,000 रुपए का, और इसके लिए 20 दिन का वक्त दरकार होता है, यानी 20 दिन के अंदर ये छोटी फैक्ट्री जो है वो चालू हो जाती है। राबता करने के लिए टेलीफोन नंबर है 0304-1111-812। इस टेलीफोन पे राबता करके आप मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।